सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बैंकरों की बैठक विकास भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार से अभियान चलाकर समूह के लिए खाते खोलना है, जिसको लेकर डीएलआरसी के साथ बैठक की गई है, जिसके लिए विशेष अभियान प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा बैंक के द्वारा जनता के लिए चल रही स्कीमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर लिया गया है, आने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी बैंक को निर्देशित कर दिया गया है और बैंक की समस्या को भी सुना गया है। सीडीओ ने कहा कि हर बैंक की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे कि बैंक के द्वारा सही समय पर लोगों को लोन मिल सके और शासन के द्वारा चल रही लाभकारी योजना जनता तक पहुंच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, कोई समस्या इसमें? कोई समस्या इसमें बता दीजिए। यूटी में सेंक्शन है सर, कुछ फाइलें अगर डिस्बर्समेंट के लिए होती है, अगर बुलाएंगे तो 20 लाख सर। सेंक्शन नहीं, केवल इसमें क्या नाम है, डिस्बर्स करना है। उनसे बात करी है, एक बार बता दीजिएगा आप, ठीक है ना? वो परसों करिए, करवा दीजिए। कोई समस्या किसी बैंक से? MMGRY में से आप लोग 8 में से यूनिट बढ़िया देख रहे हैं, 4-5 यूनिट कर लेंगे, केवल डिसबर्स करना है। इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, तो इसलिए आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोगों ने जो समूह चिन्हित किए हैं, तो हमारा 3 जगह पे फोकस है विकास भवन का। पहला है कि उनकी सेविंग बढ़े, मनरेगा में उनको रोजगार दिया जाए ताकि वो पैसा अर्निंग हो सके। दूसरा, उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेनिंग, तो मेरे मजदूरों के आ गया है, उसमें काफी अच्छा बजट भी मिला, तो वो ट्रेनिंग करेंगे। ये समूह एक्टिव रहे तो आप डाइवर्सिटी इस समूह में अलग अलग प्रोडक्ट्स बना देंगे, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग विपणन के लिए लोकल मार्केट से लिंकेज कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हमारी है। अब लिंकेज का तरीका क्या है, हर ब्लॉक पे आपको दिखेगा, कल परसों से मीटिंग्स दिखेगी लोकल व्यापारियों के साथ, जो मार्केट है, मार्केट का सर्वे हमारे लोगों ने कर लिया है और उनमें हम भी जा रहे हैं ताकि उनके प्रोडक्ट दिखे और उनकी इनकम बढ़े। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में कॉन्फिडेंस बढ़े बैंकर्स का, उनको लोनिंग कर लें, इसलिए ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। विद्युत सखी में हमारा अच्छा सक्सेस रहा है, बैंकिंग रेस्पॉन्डेंट आप डायरेक्ट डील कर रहे हो, उसमें आप ज्यादा जानते हो मुझसे, विद्युत सखी में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है। 6 हमारे टेक होम राशन के प्लांट लग रहे हैं, THR प्लांट्स अलग अलग ब्लॉक में, उसमें समूह उसको रन करेगा, जो आंगनबाड़ी के लिए जितना राशन बनता है और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट राशन में यूज करते हैं उन प्लांट्स में डालेंगे। उसका हमने फूड जो FSSAI का लाइसेंस है वो दिला दिया है, बाकी सारी चीजें लग गई है, 4 अभी चालू हो जाएंगे, 2 थोड़ा टाइम लेंगे। ये एक्टिविटी हम लोग समूह में कर रहे हैं, ये आपको बताने का पर्पस ये है कि आप लोग समूह में कॉन्फिडेंस लाएं। आज बैंकर्स के साथ DLRC की जो हमारी मीटिंग होती है उसको लिया गया है, और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं बैंकर्स के साथ कि जो कल हमारा एक स्पेशल अभियान चला के समूह के लिए खाते खोलना, जो नए समूह बने हैं और जो पहले खुले हुए हैं उनमें CCL करवाना, उसके लिए एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल चलाया जा रहा है, एक उस पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी विभिन्न स्कीमें जो बैंक के द्वारा लाभार्थियों को आशादित की जाती है, उसके एक एक स्कीम पे चर्चा की गई है, और वो जो लक्ष्य हैं हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर के वो पूर्ण करा लिए गए हैं, आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लक्ष्यों का आदान प्रदान किया गया है। बेहतर कोऑर्डिनेशन हो बैंकर्स के साथ, इसलिए ये मीटिंग की गई है और उनकी समस्याओं को सुना गया, और विभागों की समस्याएँ क्या कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है, और जो हमें वीकली मंथली मॉनिटर करना है ताकि बैंकर्स द्वारा जो लोन दिए जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में उसके टारगेट अचीव हो सके, क्रेडिट रेशियो वो ठीक रहे, और विभिन्न विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को समय सिर और जो लाभ है बैंकर्स का बैंकिंग का वो मिल सके, इसमें चर्चा हुई। इसके साथ साथ KCC को लेकर चर्चा की गई है, जो गोरखपुर का टारगेट है वो 100% पूर्ण कराने के लिए चर्चा की गई।